Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. वो दो कौड़ी की लोअर मिडिल क्लास लड़की मेरे मुकाबले में खड़ी हो सकती, उसको कबीर की टेम्पररी एंटरटेनमेंट समझो बस। एक और भी टेंशन की बात थी जो मैंने तुम्हें नहीं बताई। वो क्या? अकीम साहब को हार्ट अटैक हुआ था। क्या? इतना बड़ा घर मुलाजिमों के लिए तो नहीं दिया? मुझे भी काम होते हैं कबीर, मेरी भी लाइफ है, जिम है, ड्राइविंग क्लासेस हैं, लैंग्वेज क्लासेस हैं। अब घर पे रह के तो मैं नहीं सीख सकती ना ये सब कुछ। सर, तुम कहाँ चले गए थे? जी, मैं सीएसएस के इम्तिहान की तैयारी के लिए लाहौर गया था। इस इम्तिहान का तो अब्दुल्ला को भी बहुत शौक था बेटा। जी, अब्दुल्ला को भी मैंने ही कहा था। तो तुम इसीलिए लाहौर गए थे? जी। क्या फायदा है घर से इतना दूर रह के कौन सा कलेक्टर बन जाओगे? जॉब लग गई मेरी। असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट। क्या वो क्या तनख्वाह यही कोई? बस कुल मिला के ये कोई 1 लाख से ऊपर बन जाती है। बस कुछ देर हो गई ऑफिसर बनने में। खाला अब्दुल्ला किधर है? नजर नहीं आ रहा। अब्दुल्ला चला गया। कहाँ चला गया? मेहरू की शादी के दूसरे दिन ही कहीं चला गया और अब तक नहीं लौटा। पता नहीं कहाँ है मेरा बच्चा। वाकई मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें हो क्या गया है। वहां से निकलने के लिए इतनी बेचैन क्यों थी? मैंने आपको पहले भी कहा था कि मुझे वहां जाना ही नहीं है। उनमें और मुझमें बहुत फर्क है अब, और मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि उनसे इस फर्क पर बहस करूं मैं। कैसा फर्क मेहरू, कैसा फर्क? तुम उनकी बेटी हो, वो तुम्हारे माँ बाप है, तुम उनका हिस्सा हो। मैं उनका हिस्सा नहीं हूँ अब, मैं आपकी बीवी हूँ। मेरी एक अलग हैसियत है अब, एक अलग जिंदगी है जिसमें मैं बहुत खुश हूँ। मुझे किसी की रोक टोक नहीं पसंद। तो कौन कर रहा है तुम पर रोक टोक? तुम जो चाहो जैसे चाहो करती हो, कोई पाबंदी नहीं है तुम पर। लेकिन तुम्हें उनसे ऐसे लहजे में बात नहीं करना चाहिए था। आखिर ये मुनासिब नहीं है मेहरू, और उन्हें तो यही लगेगा ना कि मैंने तुम्हें उनके खिलाफ करवाया है। वो जो समझ रहे हैं उनको समझने दें, हमें कौन सी उनकी परवाह। कबीर, आप मुझे खुश देखना चाहते हैं ना? यही मेरा मकसद है। बस तो फिर ठीक है, आप आइंदा मुझे वहां जाने को नहीं बोले। मैं उस माहौल में जाकर बहुत घुटन महसूस करती हूँ। ठीक है बाबा, नहीं कहूंगा। वहां जाने के लिए दोबारा जिद कभी नहीं करूंगा। लेकिन मेहरू, मैं तो वहां जाऊंगा क्योंकि मैं एहसान फरामोश हरगिज नहीं, और उन्होंने मुझ पर इतना खूबसूरत एहसान किया है, जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। चलो आज मैं अपनी बीवी को डिनर पर बाहर ले चलता हूँ। नहीं, आज नहीं, किसी और दिन चलेंगे। आज मैं एक पार्टी पे इनवाइटेड हूँ। पार्टी में? वो एक्चुअली सनोबर ने पार्टी अरेंज किया है मेरे लिए। मेहरू, एक्सक्यूज बना लेना, पार्टी पर किसी और दिन चले जाना। आज मैं घर पर हूँ तो शाम का खाना साथ खा लेते हैं। कबीर, उसने स्पेशली मेरे लिए पार्टी अरेंज की है, और मैं ना जाऊं अच्छा थोड़ी ना लगता है। हम किसी और दिन चलेंगे। तो फिर मुझे घर पर अकेला छोड़कर जाओगी? जी, क्योंकि जब मैं घर पर अकेली होती हूँ तो आप भी बगैर बताए मुझे चले जाते हैं। प्लीज कबीर, मुझे मत रोकिएगा, आई हैव टू गो।
अच्छा चलो मैं छोड़ आता हूँ। मुझे ड्राइविंग आती है, I can take care of myself, bye। तो हमारी महरू ही नहीं रही। क्या दौलत इंसान को इतना बदल देती? सब में महरू का कहीं कोई कसूर नहीं था। इतना सब कुछ मिलने के बाद तो लोग अपना नाम तक बदल। रात बाहर गुजार कर आ रही और अपना रवैया तो माशाल्लाह कितना कैजुअल, कितना केयरलेस। हसन, जी खाला, हमें माफ कर दो बेटा, माफ कर दो। खाला कैसी बातें कर रही, कैसी माफ, किस बात की माफ? जुल्म किया तुम पर हमने, बहुत बुरा भला कहा तुम्हें, तुम्हारी एक छोटी सी ख्वाहिश के लिए जिंदगी भर का दुख दे, हमारे साथ हुई सारी नाइंसाफियों को हमें माफ कर दो, बख्श दो हमें। अपना गम कोई नहीं भूलता कि मैं अपने गम का, अपने दुख का जिम्मेदार किसी को नहीं समझता। और खाला, मेहरू को तो वाकई ऐसे घर में ब्याह के जाना चाहिए था जहां उसे मैं सुख में, मैं कहां उसे इतना सब कुछ दे सकता। तो मैंने ये समझ के सब कुछ बुला दिया है कि तो मेरे नसीब में नहीं है। आप बेफिक्र रहो, कीम साहब ने बिल्कुल ठीक फैसला, कितना सही फैसला किया है ना हकीम साहब ने, तो हमारी महरू ही नहीं रही। दौलत इंसान को इतना बदल देती? सब में मेहरू का कहीं कोई कसूर नहीं था। इतना सब कुछ मिलने के बाद तो लोग अपना नाम तक बदल, और मेहरू तो वही बनी है जैसा हकीम साहब उसे बनाना चाहिए। बहुत सजा सह चुकी हूँ मैं, हमें माफ कर दो बेटा। आज तुम्हें यहाँ पर देखा है ना, तो बेटे की जुदाई याद आ गई। आज मेरा अब्दुल्ला मुझे बहुत याद आ रहा है। आप फिक्र ना करो, अब्दुल्ला को ढूंढने की पूरी कोशिश करो। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। हेलो, कैसी हो? ठीक हो? ये मेहरू है, मिसेस कबीर। कबीर कुरैशी मिनिस्टर? हाँ हाँ, ये उनकी बीवी है। नाइस टू मीट यू। सेम है। लेकिन कबीर कुरैशी की वाइफ काफी एजेड है, कोई मॉडल थी? हाँ, ये उनकी दूसरी बीवी है। अच्छा, तो यूं कहो ना, वैसे ये लव मैरिज थी या अरेंज? मेरी तरफ से तो अरेंज थी, लेकिन कबीर की तरफ से प्योरली लव। एक्चुअली उनकी पहली शादी उनके पेरेंट्स ने जबरदस्ती करा दी थी शबाना के साथ। फिर तो मेहरू को बड़े प्यार से रखा होगा मिस्टर साहब ने। नो डाउट, बल्कि यूँ कहिए कि आपके जो मिनिस्टर साहब हैं वो मुझसे शादी के बाद अपनी पहली लाइफ भूल गए। भाई ब्यूटी तो सब मन में जाहिर है, मेहरू है इतनी प्यारी। अगर आप लोगों की तारीफें कुछ खत्म हो गई हो तो मैं कुछ बोलूं। हेलो मिसेस वकार, कैसी हैं आप? आपका इंतजार था। वेलकम वेलकम। ये है लैला, तुम्हारे शोहर के राइवल की बीवी, और ये है मिस्टर कबीर कुरैशी की फेवरेट वाइफ मेहरू। यस, हम पहले भी मिल चुके हैं, राइट? बिल्कुल, तुम्हारी शादी की खुशी में दी गई पार्टी पर। थैंक्स।
तो आपके हस्बैंड भी मिनिस्टर हैं? मिनिस्टर थे, पर तुम्हारे हस्बैंड उन्हें आने का मौका दे तो फिर बने ना वो। वैसे बाय द वे कभी आओ ना मेरे घर पे, आई एम श्योर यू गोना लव माय पार्टीज। आई वुड हैव लव टू, लेकिन मैंने सुना है आप शबाना की फ्रेंड हैं। दोस्त कम दुश्मन ज्यादा कहो। वैसे बाय द वे वो तो हो गई है पुरानी और तुम हो नई, तो नई की कीमत तुम्हें पता लगेगी जब तुम मुझे ज्वाइन करोगी मेरी पार्टीज। ओके देन। वैसे कहाँ रहती हैं आप इस शहर में? इस शहर में बल्कि यू कहो कि पूरा शहर मुझ में रहता है, और ये तुम्हें पता लग जाएगा जब तुम मेरी पार्टीज में होगी। फिर तो बहुत मजा आएगा। सो नाइस टू मीट यू, एंजॉय द पार्टी। शर्म हया गैरत हर चीज इसने छोड़ दी इस लड़की ने। देखा कैसे बगैर दुपट्टे के तन के खड़ी हो गई मेरे सामने। उसने ये भी नहीं सोचा कि वहां और भी नामहरम मर्द थे, वो मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। इज्जत खाक में मिला दी इस लड़की ने मेरी। क्या क्या सोचा था मैंने महरू के लिए, देखो जरा मेरे मुंह पर कहकर चली गई जब हम उसके कहीं नहीं है उसकी जिंदगी में। अरे पैसा ऐसा होता है क्या? हाँ अच्छी तबीयत को भुला देता है, यहाँ तक कि खूनी रिश्तों को भी खत्म कर देता है। पैसे को बुरा मत कहो, ये नाशुक्री है, ये तो एक नेमत है। मेहरू, मेहरू साहब, बेबी जी तो घर पर नहीं है। कहाँ गई है? नीलम, रात को मैंने समझाया था कि जब बीबी जी वापस आ जाए मुझे जगा दो। साहब बीबी जी रात को वापस आए ही नहीं। रात से घर वापस नहीं आई, कहाँ गई है? साहब वो अपनी सहेली के घर गई थी पार्टी में। कैसी पार्टी? हाँ मैं पहुंच गई। ओके बाय। क्या मैं पूछ सकता हूँ रात भर कहाँ थी तू? हाँ एक्चुअली कभी रात को पार्टी काफी लेट एंड हुई थी तो मैंने सनोवर के घर ही रुक गई थी। कितनी लेट? और ये तुम्हारा सेल फोन ऑफ क्यों आ रहा था? मैं रात को भी बार बार ट्राई करता हूँ। वो बैटरी एंड हो गई थी, अभी मैंने गाड़ी में ही चार्ज किया। पर आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? आ तो गई हूँ मैं। रात बाहर गुजार कर आ रही और अपना रवैया तो माशाल्लाह कितना क्या इशारा है।
कितना केयरलेस। जरा सोचा है मुलाजिम क्या सोचेंगे कि रात भर कहां थी तुम? Are you serious? आपको इन नौकरों की परवाह हो रही है कि ये हमारे बारे में क्या सोचते हैं? हम इनके मालिक हैं, ये हमारे मालिक नहीं है जो हम इनके बारे में सोचें कि ये हमारे बारे में क्या सोचेंगे। I spent a night with my friend at her place. I don't get it. आप इतने इनसिक्योर क्यों हो रहे हैं? मैं इनसिक्योर नहीं हूं, बस मैं तो ये चाहता हूं कि तुम सेफ हो, और अगर अपना एहतियात करोगी तो इंशाल्लाह सिक्योर होगी। Kabir, please, don't start off again. मैं बच्ची नहीं हूं, I can handle things on my own. कबीर। थैंक यू। क्या बात है, आज बड़ा प्यार आ रहा है। हमेशा ही आता है, पर आज इजहार कैसे कर रही है मुकर्मा? वो एक्चुअली मुझे ना एक क्लब की मेंबरशिप चाहिए। मैंने तुम्हें कई बार समझाया, तुम अपना कीमती वक्त इन बेकार कामों में क्यों जाया करना चाहती हो? क्या कबीर, आप ही ने तो कहा था कि मुझे अप टू डेट रहना चाहिए, अब आप मेरी इतनी भी मदद नहीं कर सकते। देखो मेहरू, ये सब कुछ तुम्हारा है, पर इसे संभाल के रखना चाहिए। क्यों? तुम शबाना को नहीं जानती, मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें किसी तरह का नुकसान पहुंचाए। शबाना अब इतनी स्ट्रांग नहीं रही, और वैसे भी मैं उसके डर से घर में बंद तो नहीं हो सकती ना कबीर। हम मुझे सब जानते हैं, मेरा सोसाइटी में एक स्टैंडर्ड है, तो क्या मैं लोगों को अपनी हैसियत भी ना दिखाऊं? तुम्हारी हैसियत मेरी नजरों में क्या है ये तुम अच्छी तरह जानती हो। मेहरू, मेरा मशवरा यह है कि अपना सर्कल इतना मत बढ़ाओ, मेरे बहुत दुश्मन हैं, मैं नहीं चाहता कि खुदा ना खास्ता तुम किसी भी मुश्किल में पड़ो। मैं किसी मुश्किल में नहीं पड़ूंगी, हाँ लेकिन मैं अपने फ्रेंड्स के सामने इतनी एम्बैरस होंगी सिर्फ आपकी वजह से। वैसे कार्ड तो है तुम्हारे पास, चार्ज करवा लो, अगर चाहती हो तो मैं उन्हें फोन करके इन्फॉर्म भी कर दूंगा। थैंक यू सो मच। You're most welcome, madam. और अब अगर इजाजत हो तो हम अपने काम धंधे पर जाएं। अब आप जा सकते हैं। अच्छा, तो काम हो गया तो आप जा सकते हैं। चले, खुदा हाफिज़। और हाँ, प्लीज जहां भी जा रही हो खुदा के लिए गार्ड और ड्राइवर को साथ ले जाना। क्यों, मुझे तो ड्राइविंग आती है अब। मैडम मुझे अच्छी तरह पता है आपको अब सब कुछ आता है, लेकिन सिर्फ मेरी सेटिस्फेक्शन के लिए प्लीज। ओके, आप बेफिक्र हो और चले जाएं बस। यार कैसी बीवी हो तुम, तुम्हें अपने शौहर के जाने पर खुशी हो रही है? ऐसा भी नहीं है। कब वापस आएंगे आप? इजलास जैसे खत्म होगा हम अपनी प्यारी सी बीवी के पास वापस आ जाएंगे। मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज और अपना ख्याल रखना। और तुम्हें पता है वो कामरान रिजवी, वो मुझसे बार बार तुम्हारा पूछता है और मेरे कान खा चुका है। वैसे नो डाउट मुझे कोई भी बंदा फोन करता है वो तुम्हारा जरूर पूछता है। अब इतनी भी हसीन नहीं हूं मैं। रहने दो मेहरू, हुसैन के सर्टिफिकेट्स जितने तुम्हें मिले ना उतने शायद किसी को नहीं मिले होंगे। अच्छा मुझे ये बताओ कि कबीर ने कभी तुम्हें मेरी दोस्ती पे मना तो नहीं किया? वो क्यों मना करेंगे, मैं अपनी मर्जी की खुद मालिक हूँ, और वैसे भी कबीर तो चाहते ही यही हैं कि मैं सोशल सर्कल में मूव करूं। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे शबाना से तो उसे हमेशा यही शिकायत रहती थी कि वो बहुत सोशल थी, ना उसको टाइम देती थी ना घर पे टाइम देती थी,
वैसे तुमने उसे बड़े अच्छे से हैंडल किया हुआ है, और तुम्हारे हुस्न के आगे उसने घुटने टेक दिए। बस भी करो, आई नो आई एम ब्यूटीफुल। ये बताओ कि नेक्स्ट मीटिंग कब फिक्स किए? अब जैसे तुम बोलो, क्योंकि तुम्हारे बिना हर महफिल इनकम्प्लीट है। अब जो टाइम तुम्हें सूट करेगा तुम मुझे बता सकती हो। ग्रेट। अरे वाह, तेरी में दुरुस्ती है भाई। मारू अंदर जाके अपना मुंह बंद रखना। क्यों, मेरे मुंह से बदबू आ रही है? नहीं, लालच टपक रही है। अच्छा, खबरदार जो अंदर जाके कोई ऊट पटांग हरकत की तुमने। चुप कर जाओ, तुम दोनों लड़ते ही रहोगे। बेल बजाओ एक बार। क्या बेल बजाओ? कौन, जंगली तो नहीं है तुम? तमीज से भाई, जंगली नहीं टार्जन बोलो। कबीर साहब है ना घर पे? आप कौन है? मैं, हम रिश्तेदार हैं उसके। नहीं बीबी, कबीर साहब घर पे नहीं, आप लोग बाद में आना। मेहरू है घर पे, हमें साहब से नहीं मिलना, मेहरू से मिलना है। आप बीबी को कैसे जानते हैं? बहन हूँ मैं उसकी, हम घर वाले हैं, मिलने आए हैं मेहरू से। ठीक है, आइए। आप लोगों को इतनी भी मैनर्स नहीं है कि किसी के घर इन्फॉर्म करके आते हैं? आप ही, हम आपसे मिलने आए हैं। ओ अम्मा मियां, तो आप किसी काम के नहीं रहे ना, तो पैसों की जरूरत पड़ती होगी। आपी, कैसी? ये लोग कौन है? कुछ नहीं, बस मेरे जानने वाले हैं। तुम चलो, फिर मुलाकात होती। प्लीज टाइम पे आ जाना, ठीक है? टेक केयर, बाय बाय। आप लोगों को इतनी भी मैनर्स नहीं है कि किसी के घर इन्फॉर्म करके आते हैं? आपी, हम आपसे मिलने आए हैं। इधर आओ सब, फॉलो मी। बोले क्यों आए हैं? क्या मतलब है आप ही? आपसे मिलने आए तो ऐसी आ गए? किसी के घर आते हैं तो इन्फॉर्म करके आते हैं। कि किसी आम इंसान का घर नहीं है, शहर के बहुत बड़े जाने माने मिनिस्टर का घर है। यहां लोग यूं मुंह उठा के चले नहीं आते, इजाजत लेकर अपॉइंटमेंट लेकर आते हैं। पर मैं भी किससे बात कर रही हूं, आप लोगों के मकानों में तो ये रिवाज है ही नहीं। कैसी हो मेरू? ठीक हूँ। खैर, कुछ ज्यादा ही हो गया। आप लोग अचानक क्यों मेरे घर आ गए? वॉजंट प्रिपेयर्ड। खैरियत ही लाई होगी? ओ, सब खैर ही है बेटा। तुमसे मिलने को बहुत दिल चाह रहा था इसलिए आई हूँ। वाह, आपका दिल मुझसे मिलने को कर रहा था। शादी के 12 महीने बाद आपका दिल अचानक मुझसे मिलने को किया? अमेजिंग। मुझे तो लग रहा था कि आप लोग ये घर देखने आए हैं, मेरा लाइफस्टाइल देखने आए हैं, यू नो, ऑल दीज लग्जूरियस थिंग्स। यू नो, पीपल कम हेयर टू
कॉपी, डेकोरेशन, खैर आप लोगों को क्या समझ आएगी। मासूमा, तुम अभी तक मैके में हो? हाँ जी, मैं सोच रही थी कि अम्मा और अब्बा मियाँ को कुछ दिन अपने साथ अपने घर में रख लूँ जब तक वो ठीक ना हो जाए। हाँ, शाबाश है तुम्हारी सास और जर, वरना कौन बर्दाश्त करता है मेहमानों को, एक घंटे के लिए भी आए हो तब। वो कबीर कहाँ है बेटा? क्यों, आप कबीर से मिलने आई हैं? ओ, अम्मा मियाँ तो आप किसी काम के नहीं रहे ना, तो पैसों की जरूरत पड़ती होगी। वो तकलीफ के लिए माजरत, पर दरअसल मेहरू अपना फोन नहीं उठा रही, तो प्लीज मेरी बात करा दे। मेहरू? नहीं, वो मेरे साथ नहीं है, मैं तो कहीं और हूँ। ATV, सारे रंग हमारे।